बंदर की वजह से हमने जालियाँ लगाई हैं, बंदर बहुत नुकसान कर देते हैं। जैसे सब्जी रखी है, फल फूल रखे हैं, बंदर जाली थोड़ा सा भी खुली है तो एक बार में 3-3-4 फल फूल लेके चले जाते हैं। बंदर की वजह से ही जाली लगा रखी है यहाँ पर। हाँ, परेशानी तो होती है सर, जाली लगाने का कारण मुख्य कारण बंदरों से ही है। बंदर थोड़ा सा भी जाली अगर खुली रही, ध्यान भटका उधर उधर, तो अंदर आके बहुत ज्यादा नुकसान करता है एक बार में। आमतौर पर जब भी आप कोई शराब की दुकान या ठेका देखते हैं तो उसमें बाहर से लोहे की ग्रिल या जाली लगी होती है। अल्मोड़ा में भी ऐसा ही एक मार्केट है जिसमें सभी दुकानदारों ने इस तरह की जाली लगा रखी है, लेकिन ये ठेके नहीं है। इनमें से कई फल और सब्जियों की दुकानें हैं तो कई पंसारी की दुकानें हैं, कई खाने पीने की हैं तो कई किसी और चीज की। दरअसल अल्मोड़ा में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। बंदर सीधे दुकान में घुसकर सामान उठा लेते हैं, कई बार लोगों को काट भी लेते हैं। इसलिए यहां के दुकानदारों ने ठेके की तरह दुकानों पर जाली लगा ली है। एक तरह से बंदरों के डर के कारण दुकानदारों ने जाली लगाकर खुद को उसमें कैद कर लिया है। ग्राहक को सामान लेना है तो सबसे पहले उसे कुंडी को खोलकर दुकान के अंदर जाना पड़ता है, तभी वो कुछ ले पाता है। बंदर का दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, जाली के अंदर हम कैद रह रहे हैं। बाकी क्या होता है, कस्टमर आता है, जाली खोलेगा तब अंदर आएगा, बाहर ले जाएगा सामान, ले जाएगा, नहीं तो उसके हाथ से भी सामान चला जाता है बंदर के हाथ का। ये समय हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा दुकान, खुली हुई दुकान छोड़ के जाते थे, समझ गए। तो आज हम इस तरह से हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कैद से तो नुकसान कम होगा ना, सामान तो कम बिकेगा, सामान दुकान बंद करेंगे ना लोग, बाग काटने को आएंगे बंदर, अंदर आएंगे नहीं आएंगे अगर खोल दें तो जाली। तो अल्मोड़ा से रोहित भट्ट की रिपोर्ट।